हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं। टीवी के बेहद ज्यादा कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 में अब बिहार के सुपरस्टार एक्टर खेसारी लाल यादव एंट्री लेने वाले हैं। वीकेंड कबार में सलमान ने अपने फैंस से घर के तीसरे वाइल्ड कार्ड के रूप में खेसारी लाल यादव को इंट्रोड्यूस कराया। खैर, आपको बता दें कि खेसारी शो में काफी ज्यादा धमाल मचाने वाले हैं ऐसा लग रहा है। और तो और खेसारी एक्रेट रूम में रहकर सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे जिस तरह की खबर है। और इस तरह कुछ दिन बिताने के बाद खेसारी को घर में एंट्री मिलेगी। बिग बॉस में इससे पहले भी कई कंटेस्टेंट्स आ चुके हैं जो कि बिहार के रहे। जी हाँ, इस बार खेसारी लाल यादव की बारी है। बिग बॉस में एंट्री से पहले हम आपको खेसारी के बारे में कुछ बातें बताते हैं। भोजपुरी एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव ऐसे एक्टर हैं जिनके नाम से ही फिल्में चलती हैं। जानकारी देते हैं आपको कि इंडस्ट्री में, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खेसारी सबसे अधिक मांग वाले अभिनेता हैं। पहली फिल्म साजन चले ससुराल के लिए खेसारी को 11,000 रुपए मिले थे। 11,000 से करियर की शुरुआत करने वाले खेसारी को अपनी हर एक फिल्म में अब कम से कम 40,00,000 रुपए तो मिल ही जाते हैं। खेसारी लाल यादव बेहद ज्यादा गरीब फैमिली से आते हैं। अपनी पहली एल्बम के लिए उन्हें लिट्टी चौका की दुकान खोलनी पड़ी थी, लेकिन आज खेसारी लाल यादव के पास वो सब कुछ है जो कि उन्होंने कभी सपने में भी शायद नहीं सोचा होगा। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में खेसारी ने बताया था कि जब वो दिल्ली में लिट्टी चौका की दुकान लगाते थे तब उनकी पत्नी भी उनकी मदद करवाती थी। नहीं, खेसारी ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि शादी के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। उनके ससुर ने बेटी की शादी के लिए अपने भैंसे तक बेच दिए थे। ये सब हुआ खेसारी के स्टार बनने से पहले। गौरव इस बात पर कि शादी के बाद खेसारी की किस्मत काफी ज्यादा बदल गई। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि खेसारी लाल यादव को शत्रुघ्न यादव के नाम से भी जाना जाता है। खेसारी लाल यादव के 3 बच्चे हैं। एक जमाने में साइकिल के लिए भी तरसने वाले खेसारी के पास आज फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियां हैं। और तो और इसके अलावा पटना में उनका एक बेहद ज्यादा आलिशान घर भी है। खेसारी ने अब तक 70 से अधिक फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा खेसारी अपने स्टेज शो और विज्ञापन के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है, जिससे वो काफी अच्छी मोटी रकम चार्ज करते हैं। इसके अलावा खेसारी दान पुण्य के लिए भी काफी जाने जाते हैं। जी हाँ, भले ही बात चाहे ठंड से सिकुड़ रहे लोगों को कंबल बांटने की हो या फिर बिहार में बाढ़ से पीड़ित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने की, खेसारी लाल यादव इन सभी कामों में हमेशा आगे रहे हैं। इस वजह से उनकी फैन फॉलोइंग भी करोड़ों में है। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे खेसारी लाल यादव को लेकर हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।